अस्सलाम वालेकुम, अम्मी की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमने बनाया है बहुत ही गजब की वेज बिरयानी। आप भी हमारी रेसिपी ट्राई करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली की तारीफें बटोरने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए हम झटपट से हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक बड़ा गाजर जिसको हमने इस साइज का कट कर लिया है, 3/4 कप मटर, 1 कप बीन्स जिसको हमने बारीक सा काट लिया है, 1 कप फूलगोभी, 1 मीडियम साइज का आलू जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है, 1.5 मीडियम साइज के प्याज जिसको हमने बारीक सा काट लिया है, 1.5 मीडियम साइज का टमाटर जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, 5-6 हरी मिर्चें जिसमें से हमने आधा बारीक काट लिया और आधे चीरा लगा लिया है, 4 टेबलस्पून दही, अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 4 टेबलस्पून दूध जिसमें हमने थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स भी ला लिए हैं, आधा नींबू और 4 कप चावल जिसको हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम फटाफट से अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, अब हम इसमें अपने प्याज डालेंगे और इसे जब तक फ्राई करेंगे तब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें हमारे टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके तब तक चलाते रहेंगे तब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे तब तक चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे आलू, गाजर, बीन्स, गोभी, हरी मटर और इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच टर्मरिक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दही और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके ढक्कन से बंद कर देंगे जब तक कि इसके जो सारे वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक ना जाए। अब हम इसमें डाल देंगे पुदीना, कोथमीर, फिर हमने जो मिर्ची काटी थी वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा बिरयानी का मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम फटाफट से अपना स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 1 जावित्री और 1 टीस्पून शाही जीरा। इसे हम रोस्ट करके एक ग्राइंडर जार में दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ा भगोना ले लिया है जिसमें 10 कप पानी है। इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून नमक यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 11 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ और 3 तेजपत्ता। अब इन सारे खड़े मसालों को हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और इसमें 1 आधा नींबू डाल देंगे और अब हम इसे एक लिड से कवर कर लेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक इसमें से अच्छे से उबाल ना आ जाए। अब हम इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है तो हमने जो चावल 1 घंटे पहले भिगो के रखा था उसको हम छान कर इसके अंदर डाल देंगे। और इसे चम्मच चला लेंगे अच्छे से और इसे एक लिड से कवर करके इसको अच्छे से पकने देंगे। यहाँ हमारा चावल अच्छे से पक चुका है और ये 90% कुक हो चुका है।
तो अब हम इसे छान लेंगे। हमारा चावल छान लिया है हमने, अब हम फटाफट से बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो फर्स्ट लेयर पे हम 75-80% ऑफ चावल डालेंगे, फिर हम अपना मसाला सेकेंड लेयर पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे डाल के। ये देखिए हमने अपना मसाला भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें हमने जो केसर वाला दूध भिगाया था वो डाल देंगे, इसकी आधी क्वांटिटी डालनी है। और फिर हमने जो स्पेशल मसाला तैयार किया था उसका भी आधी क्वांटिटी हम थोड़ा सा डाल लेंगे। अब हमारा जो चावल 25% बच रहा है उसको हम थर्ड लेयर पे पूरा डाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर हमने जो स्पेशल मसाला बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर पूरा डाल देंगे। फिर जो हमने केसर का दूध बचा के रखा था वो भी हम पूरा हर जगह डाल देंगे। फिर यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच फ्राइड अनियंस डाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने 5 मिर्ची ली है हरी वाली, जिसको हमने बीच में से काट लिया, वो भी हम डाल लेंगे। फिर हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। और फिर हम 2 छोटी चम्मच जर्दे का कलर डालेंगे और उसे हर जगह थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। फिर हम इसे एक लिड से कवर करके इसका जो होल है उसमें लौंग डाल देंगे, और इसका जो फर्स्ट 10 मिनट्स है वो हाई फ्लेम पे पकाएंगे और जो नेक्स्ट 15 मिनट्स है वो लो फ्लेम पे पकाएंगे। और फिर हमारी बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है।